अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ देसी स्टाइल चिकन। ये बहुत ही फ्लेवरफुल है चिकन, और ये एकदम देसी स्टाइल है। विलेज में जैसे बनता है वैसे है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये सिंपल इंग्रेडिएंट से ही बनता है, लेकिन ये बहुत ही फ्लेवरफुल, और इसकी खुशबू आप अगर एक बार बनाएंगे तो आसपास के घरों में भी जाएगी इसकी खुशबू। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपने ट्राई भी किया होगा। ये अक्सर हम विलेज में ऐसे इस स्टाइल का चिकन ज़रूर खाते हैं। तो चले मैं आज आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। इसके लिए मैंने ये चिकन लिया है, ये 1 kg चिकन है। इसको वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद से इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी। आधा टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर है, और उसके बाद से इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, वो भी आधा टीस्पून के बराबर है। और इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पे रख देंगे। उसके बाद से हम गैस पे जो है कढ़ाई चढ़ा देंगे। यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें जो खाना है बहुत ही टेस्टी बनता है। और अगर आपने कभी लोहे की कढ़ाई में खाना नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्ट आता है इसमें बने खाने की बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो इसके लिए मैंने भी आज लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें मैं बनाऊंगी, आपको चिकन बना के दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, और जब मस्टर्ड ऑयल में से स्मोक आने लगे और जब इसमें से स्मोक आने लगे तो इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। उसके बाद से जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। सारे पीसेस को मैंने डाल दिया है चिकन के, और हाई फ्लेम पे इसको हम दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेज आँच पे। इस मेथी दाने और कड़ी पत्ता की खुशबू आप जब डालेंगे तभी से आपके घर में फैल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेवर देता है कड़ी पत्ता और मेथी दाना। तो यहाँ पे मैंने भी उलट पुलट के जो है चिकन को फ्राई कर लिया है। इसको अच्छे से चारों साइड से इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे ये होगा कि चिकन के अंदर जो स्मेल हो रहती है वो भी दूर हो जाएगा, और इसके अंदर नमक का भी टेस्ट आ जाएगा। तो जब ये एक बार फ्राई हो जाए तो मैं इसके सारे पीसेस को निकाल लूँगी। ये चिकन बनाना बहुत ही ईजी है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम लगते हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे पीसेस को निकाल लिया है। इसको बनाने में कोई झंझट नहीं है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ना ही बहुत ज़्यादा बर्तन ऑक्यूपाई होंगे। आप इसको एक पॉट में ही आसानी से बना सकते हैं इस चिकन को। तो यहाँ सारे चिकन के पीसेस निकालने के बाद मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं। उसमें है ये लाल मिर्च, सूखा हुआ लाल मिर्च है, तेज़पत्ता है, ज़ीरा है, और ये गोल मिर्च है। इसको डाल के हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे, और ये एक दालचीनी का टुकड़ा है, और ये एक बड़ी इलायची भी है, ये भी मैं डाली हूँ। इन सबको डाल के एक बार थोड़ा सा इसको क्रैकल कर लेंगे, और जब ये थोड़ा क्रैकल हो जाए, हार्डली 1 मिनट लगेंगे इसको क्रैकल होने में, उसके बाद से हम इसमें अनियन डाल देंगे। हम रफली चॉप्ड अनियन डालेंगे, ना बहुत ही बारीक काटना है ना ही बहुत मोटा। आप जैसे नॉर्मल प्याज काटते हैं वैसे स्लाइस में कट कर लें और डाल दें। यहाँ मैंने भी वैसे ही स्लाइस में कटे हुए प्याज को डाल दिया है। अब मैं थोड़ा इसको फ्राई करूँगी, पिंक होने तक, लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे इसको, और लाइट पिंक होने तक इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद से हम इसमें डालेंगे टमाटर, कटे हुए टमाटर डाल देंगे, और उसके बाद से नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और उसके बाद से इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, और उसके बाद से थोड़ा सा देगी मिर्च भी डालेंगे इसमें हम, और उसके बाद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास देगी मिर्च नहीं है, देगी मिर्च पाउडर नहीं है, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको मिक्स करके हम थोड़ा सा पकने देंगे, टमाटर को गलने देंगे। यहाँ प्याज टमाटर को मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगा के इनको अच्छे से कुक कर लेंगे, टमाटर गल जाए और प्याज भी गल जाए, जब तक हम इसको कुक कर लेंगे। कुक करेंगे इसको ढककर, बाद में हम इसमें चिकन डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगा के इनको कुक होने देंगे। इसको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि चिकन जो है ऑलरेडी फ्राई हो चुका है, उसमें फ्लेवर आ गया है और वो थोड़ा सा गल भी गया है। तो हम इसको ढक्कन लगा के कुक होने देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे।
बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे, बीच में चलाते रहेंगे। और उसके बाद से जब कुक हो जाए इसको, तो हम सबसे लास्ट में थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर। यहाँ चिकन कुक हो गया है तो मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद से इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, उसको हाथ से हम मसल के डालेंगे कसूरी मेथी को। और उसके बाद से मिक्स कर देना है। यहाँ चिकन जो है वो रेडी हो गया है। ये बहुत ही फ्लेवरफुल है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये विलेज में बहुत ही पॉपुलर है, तो आप भी इसको ट्राई करें और देसी चिकन का मज़ा लें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।